जय श्री कृष्णा। मैं नीरू हमारे चैनल राधा एंड के ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ जो आप सब खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ एकदम मस्त वाली। तो फ्रेंड्स, उससे पहले इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, फेसबुक पे भी फॉलो करें। और फ्रेंड्स, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है जो बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलो फिर रेसिपी की ओर चलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और उसके बाद ऑल आएगा उसको भी प्रेस कीजिएगा, और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। तो मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया था और उसमें मैंने इस तरीके से आलू को कट कर लिया था स्क्वायर टाइप का, जो बिल्कुल भी पतला नहीं है और ना ज़्यादा मोटा है, मीडियम साइज़ के, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमने इस आलू को ना अच्छे तरीके से फ्राई कर लेनी है, बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करनी है ताकि ये आलू बहुत अच्छे तरीके से पक जाए और बिल्कुल भी ब्राउन ज़्यादा ना करे। तेज़ आंच करने से ये पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको पकाना है। और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी आज मैं बता रही हूँ जो कि लेफ्ट ओवर रोटी या पराठा के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपने तो बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेफ्ट ओवर रोटी और बाकी सब चीज़ों की, लेकिन ये जो है बिल्कुल डिफरेंट है और आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और बिल्कुल यूनिक लगेगा। अब थोड़ा सा ना मैंने बिल्कुल आधा टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए आलू में, तो इसके लिए। और अभी नमक डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा बिल्कुल कम नमक डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। और हाँ फ्रेंड, आप नमक डाल रहे हैं तो नमक का ध्यान ज़रूर रखिएगा, आगे जब आप नमक इस्तेमाल करें तो ध्यान ज़रूर रखें जो हाँ नमक हमने डाला है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसको हम अच्छे तरीके से पकने देंगे फ्रेंड। ये बहुत ही रेसिपी जो है फटाफट से बन के तैयार हो जाती है, आपका आलू फ्राई रहेगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और हाँ, आप मिनटों में बिल्कुल रेसिपी तैयार कर लेंगे। और हाँ, चार अलग अलग फ्लेवर में आज बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाली, तो अभी देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगी। ये इस तरीके से हमारा जो है पोटैटो बिल्कुल फ्राई हो चुका है और आपको इसको देख करके जो इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ की याद आएगी। तो आप इस तरीके से इस लॉकडाउन में आप इसमें चाट मसाला, नमक, काला नमक और काली मिर्च पाउडर डाल के भी इसको इन्जॉय कर सकते हैं, चाहे तो ओनियन कट करके अगर आप खाते हैं तो, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना, इसको हमें दवा दवा करके बिल्कुल निकाल लेनी है। आप बोलोगे जो आलू को फ्राई किया है अब इसको दबा रहे हो, जी हाँ, हमें थोड़ा सा दबा करके, बाद में भी मैं इसको इस तरीके से करने वाली हूँ तो मैं जानबूझ करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा चिपका चिपका हो जाए, तो हम जब भी पराठा में यूज करेंगे ना वो बिल्कुल अच्छे से रोल हो जाएगा और गिरेगा नहीं। तो इसके लिए अब हमने क्या किया है, जो उस जो नैपकिन था उसमें बहुत सारा तेल हो गया है, तो हमने क्या करना है, जो हमने ऊपर से जो डाला था ना उस पर डाल करके और हमें थोड़ा सा और इसको दबा लेना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए। और फ्रेंड्स, कहीं बाहर आना जाना नहीं है, सब बंद है, तो कुछ तो अच्छा खाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है जो बंद रहेगा तो हम ऐसे ही, हमारी लाइफ ऐसी ही रहेगी, इसी में जिस जैसा सिचुएशन है उसी तरीके से हमें इन्जॉय करना चाहिए। और कहते नहीं है जो जैसा माहौल मिले उस तरीके से जियो, तो ठीक है ऐसे ही माहौल है, लेकिन फिर भी इस माहौल को हम खुशी में इन्जॉय करेंगे, ऐसा नहीं है जो दुख में करेंगे। अब हमारा आलू जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने लिए हैं रोटी या पराठा, आप कुछ भी ले सकते हैं, मेरे पास ये पराठा था तो मैंने वो ले लिया है। और ये बिल्कुल बचे हुए फ्रेंड, बिल्कुल भी बनाया नहीं है मैंने, सुबह में बनाया था तो ये बच गया था तो मैं उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, आपके पास रोटी हो तो आप वो भी ले सकते हो। अब हमने उसमें से आलू ले लिया है थोड़ा सा, और इसमें मैं कटे हुए खीरा ले रही हूँ थोड़ा सा, बहुत बारीक बारीक कटे हुए हैं सारी चीज़ें। अब थोड़ी सी जो है मैं हरी मिर्च ले रही हूँ, और हाँ, कच्ची कैरी भी मैंने कट करके रखी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल अलग। और हाँ, ऑनियन है, ये सारी चीज़ें बहुत बारीक बारीक चॉप है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें मैंने टमाटर डाला है। और हाँ, ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब हरी चटनी हमारे पास थी
फ्रिज में रखी हुई हम सबके पास होती है, तो वही मैंने एक चम्मच डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खट्टी मीठी सी चटनी जो आती है ना नींबू वाली, वो चटनी में डाल रही हूँ। और उसके बाद मैंने चाट मसाला डाला है, और ये बिल्कुल जो मैंने खट्टी मीठी वाली डाली है वो ऑप्शनल है, आप चाट मसाला और धनिया का डाल देंगे ना चटनी तो वो भी चल जाएगा बिल्कुल। अब इन सबको हमने क्या कर लेना है, इन सबको अच्छे से मिक्स करने से पहले हमने जो आलू भुजिया लिया है, और आलू भुजिया के अंदर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़े से नमक डाल करके मिक्स करके और फिर इसके अंदर डाला है। अब मैं इसमें डाल दी हूँ काली मिर्च पाउडर बहुत ही कम, और इन सबको मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे पत्ता गोभी जो कैबेज बहुत ही बारीक कटा हुआ, रेड वाला और वाइट वाला दोनों, आपके पास कोई भी हो तो डालें और ना हो तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी ये बहुत अच्छा बनता है। अब ये सारे मिक्स हो चुके हैं, अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं भुजिया और डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया डालें, आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर पनीर डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपकी मर्जी है, आप जो भी डालना चाहे डालें और बहुत टेस्टी लगेगा ये। अब ना मैं इसमें मेयोनीज लगा रही हूँ, मेयो लगा देंगे अगर आपके पास हो तो लगाए, नहीं है तो जो हरे धनिया की चटनी है ना वो भी चलेगा, केचप हो वो भी चलेगा, सब चीज़ चल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बिना कोई भी काम रुकता है, तो इसके लिए ऑप्शन मेरे पास हमेशा रहता है। अब मैं मेयोनीज थोड़ा सा ली हूँ और उसको अच्छे से जो है मैं चारों ओर से लगा दिया है बिल्कुल, और अब इसमें जो मैंने मिक्स किया था फिलिंग वो मैं डालूँगी इसके अंदर, और देख सकते हैं थोड़ा सा बीच में मैं डाल रही हूँ ताकि जब मैं फोल्ड करूँ ना, और हमें बिल्कुल भर करके डालना है, ऐसा नहीं जो थोड़ा थोड़ा डालना है। अब मैं ऊपर से थोड़ा टमाटर थोड़ा सा ऑनियन इस टाइप से डाल दी हूँ ताकि देखने में और खाने में दोनों अच्छा लगे। अब थोड़ा सा आलू भुजिया डाल दिया है, अब उसके बाद आप एक चुटकी इसके अंदर चाट मसाला डाल सकते हैं ऊपर से, और आप बिल्कुल ऑप्शनल है, और ना चाहें तो बिल्कुल भी ना डालें। अब हमने क्या करना है, इसको रोल कर लेना है। तो ये हमारा हो गया मेयोनीज रोल, बिल्कुल लेफ्टओवर रोटी का, लेफ्टओवर पराठा का, ये देख सकते हैं आप कितना ही टेस्टी लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। अब दूसरा है ये पिज्ज़ा वाला है, तो पिज्ज़ा सॉस लिया है मैंने, और हाँ अलग अलग फ्लेवर है तो अलग अलग टेस्ट भी आएगा, तो ये पिज्ज़ा का पिज्ज़ा सॉस है तो वो मैंने लगा दिया है एक चम्मच लेकर के और लगा दिया है उसको। अब हमने क्या कर लेना है, तो फिर उसमें ही ये फिलिंग डाल देनी है, हाफ तो उसके अंदर डाला मैंने मेयोनीज के अंदर और हाफ इसके अंदर मैंने डाला है। अब इसको बीच में बिल्कुल डाला है मैंने, और फिलिंग में बिल्कुल कंजूसी नहीं किया है मैंने, भर भर के डाला है ताकि मुँह में जब आए ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, कम रहता है तो मुंह में सिर्फ बाइट में रोटी ही आती है या पराठे आते हैं, लेकिन जब आप फीलिंग ज़्यादा डालते हैं ना तो मुंह में वो सब्जियां सारी आती है, टेस्ट सब अच्छा लगता है। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने इसके अंदर भी थोड़ा सा भुजिया डाल दिया है, और आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया डाल दें, थोड़ा सा कैबेज और डाल दें, और ऑनियन डाल दें, ऑप्शनल है सारी की सारी चीज़ें, आपको जो जो पसंद है ना सब डाल सकते हैं, इसमें कोई रोक रुकावट नहीं है, आंख बंद करके आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अब मैंने फोल्ड कर दिया है इसको, और ये है पिज्ज़ा रोल, जी हाँ फ्रेंड्स, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और जितना ये खाने में अच्छा था ना उतना ही ज़्यादा देखने में भी लग रहा है। तो अब मैंने थर्ड वाला लिया है, मैंने केचप लगाया है, टोमेटो केचप, जी हाँ टोमेटो केचप लगा दिया है, और वो थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप जैसा देख सकते हैं, क्योंकि मेरे बेटा को बहुत पसंद है तो ये उसके लिए बन रहा है, और सब फ्लेवर अलग अलग सबके लिए बना है, तो आप लोग भी ज़रूर अपनी फैमिली मेंबर के टेस्ट के हिसाब से अलग अलग फ्लेवर बनाएं। और वही फीलिंग जो है हम वापस से डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह ज़्यादा तीखा नहीं होता है लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। अब थोड़ा सा भुजिया डाल रही हूँ, वो खड़ा होकर के बनवा रहा है, थोड़ा सा भुजिया डाल रही हूँ और बस इसको रोल कर दिया है, और ये हमारा जो है केचप रोल तैयार हो चुका है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारा लास्ट का है, ये मैंने पराठा लिए हैं, लास्ट पराठा हमारा बाकी है, और इसमें मैंने हरे धनिया की चटनी ली है जो मैंने फिलिंग में डाली थी वो। अब हमने क्या कर लेना है, इस चटनी में फिर वापस से जो है हमें यही फिलिंग डाल देनी है, और ये फीलिंग डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसके अंदर ना आप मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कॉर्न डाल दे सकते हो आप, क्योंकि कॉर्न बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आता है तो कॉर्न भी आप डाल सकते हो। अब मैंने इसके ऊपर ऑनियन डाल दिया है बहुत सारा, क्योंकि मैं ये अपने लिए बना रही हूँ,
तो मैंने बहुत सारा ऑनियन कट किए हुए हैं, टमाटर डाले हैं और आप सोच सकते हैं थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिए हैं और थोड़ा सा भुजिया भी डाल दिए हैं, और फिर भी अगर सब्जियां बच जाए तो और आप डाल सकते हो, और थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी डाल दी है। अब देख सकते हो आप जो ये कितना टेस्टी लगने वाला है। तो ये सीधा साधा सा जो है ना हमारा बिल्कुल हरे धनिया का चटनी वाला, और हाँ इसके ऊपर मैंने इमली की चटनी आधा चम्मच डाली है जैसा कि लास्ट में आपने देखा है। तो एकदम खट्टा मीठा सा फ्लेवर इसके आया है, और ये सारे के सारे जो हैं रोल तैयार हो चुके हैं। अब आप इंजॉय करें और देख सकते हैं लुक वाइज जितना अच्छा लग रहा है ना उतना ही टेस्टी ये खाने में भी है। अब मैंने थोड़ा सा नाचो रख दिए हैं प्लेट में साइड में, और आप सभी इंजॉय करें और बताइए ये रेसिपी कैसी लगी आपको। उम्मीद करती हूँ जो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, और आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।